इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के बाड़मेर से, जहां वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का MiG-29 विमान क्रैश हुआ है। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ है। तकनीकी खामी से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें बहुत डराने वाली आज की ये तस्वीरें हैं। हादसे में MiG-29 विमान का पायलट सुरक्षित है। वायुसेना की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का MiG-29 विमान क्रैश की तस्वीरें, जिसमें भीषण आग लग गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब ये प्रशिक्षण के दौरान उड़ान भर रहा था विमान, तब यह हादसा हुआ, लेकिन पायलट सुरक्षित है। तकनीकी खामी वजह बताया जा रहा है अभी इस क्रैश होने का, और हादसे में MiG-29 विमान का पायलट सुरक्षित, ये सबसे बेहतर खबर इस विमान हादसे में निकलकर सामने आ रही है। आज की तस्वीरें हैं, शाम की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों से आप ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इस MiG-29 विमान के क्रैश होने से, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण इस खबर पर जुड़ गई हैं। अंजू, कब की ये घटना है? शाम का वक्त दिख रहा है, और जब ये हादसा हुआ, तकनीकी खामी वजह बताई जा रही है, और क्या डिटेल्स आई हैं सामने? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने आधिकारिक बयान के हिसाब से जो हमें बताया है, उसके हिसाब से ये बाड़मेर में फाइटर प्लेन जो है जो क्रैश हुआ है, उतरालाई के पास हुआ है, और ये एक्सरसाइज के दौरान हुआ है। आपको बता दूं कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज का जो फेज टू है वो जल्द शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जो है जो सॉर्टीज हैं वो लगातार की जा रही हैं। तो ऐसे में ये जो अभी अभी जो जानकारी, शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसी दौरान ये MiG-29 एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। हालांकि इसमें अभी तक आपको बता दें कि जो पायलट जो है उसको कोई वो हताहत नहीं हुआ है, वो सुरक्षित जो है इजेक्ट कर गया था। तो और जो ये जो प्लेन है, ये जो क्रैश हुआ है, ये घर से थोड़ा सा दूर हुआ है, यानी कि किसी रिहायशी इलाके के ऊपर ये ब्लास्ट नहीं हुआ है। और जो पुलिस प्रशासन है और जो इलाके के जो आला अधिकारी हैं और इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, और जो पूरा रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। जी अंजू, शुक्रिया इस जानकारी का। और देखिए, रात के वक्त ये तस्वीरें हैं, और जैसे ही विमान क्रैश हुआ, उससे पहले पायलट ने सूझबूझ के तहत एक्शन लिया और वो सुरक्षित है, उसके बारे में सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, तकनीकी खामी बताया जा रहा है इस क्रैश होने के पीछे वजह। MiG-29 पायलट, ये आपको बता दें, वो सुरक्षित है, लेकिन ये जो विमान है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया है। प्रशिक्षण उड़ान भर रहा था ये विमान, और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। टेक्निकल एरर आया और इस तरह ये हादसा हुआ है। वायुसेना ने ये तस्दीक की है कि इस वक्त पायलट सुरक्षित है।